आईजीआईएमएस लेना ठीक है, आईजीआईएमएस लेना, आईजीआईएमएस में 15-20 दिन रहे, उसके बाद 8 मार्च को हमको आईजीआईएमएस से निकाल दिया गया, कहा कि नहीं अभी नहीं बचेंगे, एक आध घंटा का मेहमान है वो घर ले जाइए। उसके बाद हम वहाँ से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर रात भर वहाँ रखे, 9 तारीख को लेकर के आए, 9 तारीख को सुबह में, 10 तारीख को सुबह में हम फिर जो है हमारे एक मित्र हैं संजीव कुमार सिंह, कुमार बलराम सिंह के लड़का हुए, वो बोले कि हमको जो है हमारे कहने से एक बार दिखाइए आप, ठीक है इतना खर्चा कितना नहीं एक बार आप दिखाते हैं। उसके बाद इनका कहाँ लोहानीपुर में शायद क्लिनिक है, लोहानीपुर हम भेजे, वहाँ पे वो देखें, देखने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ, ट्रीटमेंट चालू होते होते किए, उसके बाद 15-20 दिन के बाद माँ जो है एक आध रोटी खाने लगी। उसके बाद इसी बीच में हमको लोग कहा कि थोड़ा पीजीआई दिखवा लीजिए, पीजीआई ले गए, पीजीआई हमारा वहाँ पे मतलब इनको नहीं लिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद फिर जो है पीके ज्ञानी सर से मिले, पीके ज्ञानी सर से मिले और अपने स्तर से दवा दे देगा माँ का जो है, और वो हमको लग रहा है घूमते गया घूमते गया, आज हमारी माँ ठीक है। पीके ज्ञानी साहब हमारे लिए भगवान साहब, दूसरा जगह कहीं पे जो है ना हमारा ठीक नहीं होता, बहुत जगह से रिटर्न कर दिया गया, लेकिन हमारे लिए वो भगवान साबित हुए, हम उनके यहाँ गए, आज भी पैसा रहता है नहीं रहता है दवा हमको मिल जाता है, ठीक है दवा हमारा पैसा के अभाव में दवा हमको कभी नहीं बंद हुआ, वो सर जो है बिना पैसा का भी दवा देते हैं, कहते हैं कि दवा आपका कराते रहिए, आज जो है अच्छा रिजल्ट हुआ, माँ हमारी स्वस्थ हो रही है, बहुत लोग को हम वहाँ पे भेजे, हमारे माँ को देखने बहुत लोग आया, अब बहुतों लोग को वहाँ भेजे हम, पीके ज्ञानी सर के यहाँ चले जाइए वो अच्छे डॉक्टर है, वहाँ पे आप जो है दिखवाइए।